फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2L अंडर रूट T बाय U। तो इसमें अगर पहला केस ले लिया हम लोग, जिसमें हम लोगों ने टेंशन और म्यू को कांस्टेंट रखा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी आप स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको लॉ ऑफ लेंथ बोलते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, टी और म्यू को क्या रखा है, कांस्टेंट अगर रखा है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक सिंगल वायर पे अगर आप टेंशन कांस्टेंट रखे हो, म्यू कांस्टेंट है, वही वायर है, म्यू कांस्टेंट मतलब वायर चेंज नहीं किया और लेंथ बढ़ा रहे हो वायर का, तो आपको मालूम पड़ेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। अभी फिर केस टू क्या होगा आप खुद बता दो, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ये कब होगा, जब एल और न्यू कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टेंशन। फिर थर्ड क्या होगा, यस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट न्यू, ये कब होगा, जब लेंथ और टेंशन क्या होंगे, ये क्या है, लॉ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ टेंशन, समझ में आ गया आपको। तो अभी हम लोग जो है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट जो है उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो, तो यहां पे आप देखो ये सोनोमीटर हम लोगों ने यहाँ डायग्राम बनाया, तो इसमें दो वायर्स कंसीडर किए, एक वायर जो ए और बी के बीच में है, राइट। तो ये जो वायर है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वायर, ठीक है। और ये सी वन सी टू आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ब्रिजेस है जो एक्चुअली मूव कर सकते हैं, मूवेबल ब्रिजेस। और ये जो वायर है इसे बीच बी के बीच में, उसको उस वायर का नाम क्या है, सी, वायर का नाम सी है, ठीक है। और ये एंड का नाम ए, उस एंड का नाम बी, वो वायर का नाम क्या है, सी, वो है ऑक्सिलरी वायर। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर जो आप देख रहे हो उसका नाम है डी, राइट। और ये डी वन डी टू क्या है, ब्रिजेस है मूवेबल, जिसको हम लोग मूव करके इस पार्ट का लेंथ चेंज कर सकते हैं। डी वन से डी वन और डी टू के बीच में वायर का जो लेंथ है उस लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी वन से डी टू के बीच के बीच में जो वायर है वो बेसिकली क्या है, वो फॉर्म करता है स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स, और उसमें हम लोग स्टैंडिंग वेव सेट करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये टेंशन, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आप देख रहे हो किसकी वजह से, वो इस लोड की वजह से जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है इस हैंगर के थ्रू, राइट। तो जो भी ये लोड दिख रहा है आपको, ये वेट, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम टेंशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि द पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिजेस फॉर्म्स स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और जो एक्सपेरिमेंटल वायर आप देख रहे हो यानी ये वाला सेकेंड वाला, इसमें आप तीनों फैक्टर चेंज कर सकते हो, यानी आप टेंशन चेंज कर सकते हो, आप पूरा वायर ही चेंज कर सकते हो। तो वायर चेंज करना मतलब क्या चेंज कर रहे हो, यू चेंज कर रहे हो। और तीसरा है कि आप उसका लेंथ चेंज कर, तो लेंथ कैसे चेंज करोगे आप, ये दोनों ब्रिजेस को मूव करके। अब देखो जब हम लोग कोई एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, राइट, और उसको यहाँ पे जो रबर पैड है, ठीक है, तो ये जो रबर पैड है इस पे आप उसको स्ट्राइक करोगे, जब इसको ट्यूनिंग फोर्क राइट यहाँ पे जोर से स्ट्राइक करोगे, तो ये क्या होगा, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन में सेटअप हो जाएगा, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा उस पे। मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, क्या फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी है, समझ में आपको। तो जैसे ही आप इसको ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे स्ट्राइक करोगे रबर पैड पे, तो क्या होगा, तो जैसे आप इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो वो अपना जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करेगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये जो आप वायर देख रहे हो C1 C2 के बीच में या D1 D2 के बीच में, अगर ये उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोई nth हार्मोनिक होगा, अगर लाइक दिस इज इक्वल टू nth हार्मोनिक
of the fundamental frequency of the auxiliary wire or the fundamental or the nth harmonic of the fundamental frequency of the experimental wire, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि ये जो वायर आप यहां देख रहे हो ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इसमें भी स्टैंडिंग वेव सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है ट्यूनिंग फोर्क के साथ साथ उसी फ्रीक्वेंसी में वो वायर्स भी अपने आप रेजोनेट करना शुरू, यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको वाइब्रेट किया, यानी यहाँ पे इसको आपने ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे स्ट्राइक किया, हिट किया, तो इसके जो वाइब्रेशंस है वो ये जो वुडन बॉक्स है इसके थ्रू और ये जो ब्रिजेस है ब्रिजेस के थ्रू वो वाइब्रेशंस किसमें ट्रांसमिट हो गए, वो वायर में ट्रांसमिट हो गए, ठीक है। लेकिन तब तक वो जो वायर है उसमें स्टैंडिंग वेव सेट नहीं होगा जब तक ये फ्रीक्वेंसी उसके किसी एनेट हार्मोनिक के बराबर, तब तक उसमें स्टैंडिंग वेव सेट होने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये फ्रीक्वेंसी जिनकी किसी एनेट हार्मोनिक के बराबर है तो उसमें क्या सेटअप होगा, स्टैंडिंग वेव सेटअप होगा और स्ट्रीम जो है वो एकदम जोर जोर से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो एकदम वायलेंटली जो है वो स्ट्रीम क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये एग्जैक्टली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसके बराबर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर हो गया, यानी एफ नॉट के बराबर हो गया, तो जो वायर है राइट, ये जो वायर है इसमें क्या सेट होगा, इधर नोड और बीच में क्या सेट होगा, एंटी नोड। तो ये जो वायर है ये बहुत वायलेंटली ये क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अपने फंडामेंटल मोड में, राइट, नोड नोड एंटी नोड, और इसमें स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाएगा और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो हम लोग ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये इसका फंडामेंटल मोड है, राइट, करेक्ट। तो फंडामेंटल मोड में या ये स्टैंडिंग वेव सेट हो गया ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका, चाहे फंडामेंटल मोड हो या फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक हो, तो फंडामेंटल मोड अगर है तो उसमें ऐसा है कि अगर आपने एक छोटा सा पेपर का पीस लिया, इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं राइडर, क्या बोलते हैं, राइडर, और इसको आपने रख दिया स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ पे आपने इसको रख दिया है, ठीक है, राइडर को, तो जब ये वायलेंटली वाइब्रेट करेगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड और यहाँ नोड बनेगा, तो फंडामेंटल मोड में ये स्ट्रिंग इतना वायलेंटली वाइब्रेट करेगा कि ये राइडर जो है ये बहुत या तो उछल के इस पे गिरेगा या तो उछल के नीचे गिर जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा मोड है, फंडामेंटल मोड है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि फर्स्ट हार्मोनिक, अगर मान लो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, ये उस वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट ये इसका सेकेंड हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक नहीं है, कौन सा है, सेकेंड हार्मोनिक। अब सेकेंड हार्मोनिक में प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड हार्मोनिक में प्रॉब्लम ये है कि बीच में भी एक नोड बनेगा, है कि नहीं, आपका जो ये वायर है इधर, इस वायर के इधर तो नोड बनेंगे ही, पर बीच में भी क्या बनेगा, नोड, क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक मतलब उसमें जो है दो लूप्स होते हैं, कितने लूप्स होते हैं, दो लूप्स होते हैं, तो ये इधर आया और ये इधर से इधर गया, दो लूप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर अब आपने यहां पर रखा पेपर राइडर जो है, वो राइडर को आपने यहां पे अगर प्लेस कर दिया, तो आप देखोगे वो तो अपने जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या फॉर्म हुआ है, वहां पे नोड फॉर्म हुआ है, तो इसलिए आपको अपने जगह से हिलने वाला नहीं है, ये पॉइंट समझ में आपको। तो फर्स्ट हार्मोनिक अगर है, इफ देयर इज फर्स्ट हार्मोनिक और आपने यहां पे क्या रख दिया, पेपर राइडर, सॉरी सेकेंड हार्मोनिक और दो लूप बन रहे, तो ये नोड है और एंटी नोड तो यहाँ पे है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड हार्मोनिक पे अगर तुमने पेपर राइटर रख दिया ना, तो वो पेपर राइटर तो वाइब्रेट ही नहीं करेगा क्योंकि वन नोड है, राइट। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या सेट हुआ है, स्टैंडिंग वेव। तो अब आपको थर्ड हार्मोनिक यूज करना पड़ेगा, यानी आपको ऑड हार्मोनिक्स यूज करने पड़ेंगे। तो अब थर्ड हार्मोनिक का अगर ये है, इफ दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा, अब तीन नोड बनेंगे, कितने नोड बनेंगे, तीन नोड। तो अब तीन नोड, सॉरी मतलब तीन लूप बनेंगे, तो तीन लूप जब बनेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नोड तो है ही है और ये राइट, यानी टोटल चार नोड्स हो गए और लूप हो गए तीन, तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। अब अगर आपने पेपर रखा, पेपर राइटर यहाँ प्लेस किया,
तो वो पेपर राइटर जो है वायलेंटली अब क्या करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा स्ट्रिंग के साथ, और हो सकता है शायद कि वो स्ट्रिंग से नीचे गिर जाए, लेकिन फंडामेंटल मोड में तो उसके गिरने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सिर्फ एक ही एंटी नोड है, दो नोड है एंटी नोड, तो बहुत वायलेंटली वो जो है वाइब्रेट करता है, और वो जो राइडर है वो स्ट्रिंग से उछल के नीचे गिर जाता है। लेकिन इस केस में वो बहुत ज्यादा वायलेंटली वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन गिरे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये जो है जहां पे बीच में क्या बनने वाला है, एंटी नोड बनने वाला है, तो वो सारे केसेस हम लोग इससे स्टडी कर सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वायर है इसमें क्या सेट हो गया है, स्टैंडिंग वेव सेट हो गया। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है इसको समझने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी सुनकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें स्टैंडिंग वेव सेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर दो साउंड वेव है आपके पास, एक का फ्रीक्वेंसी F1 है, एक का F2 है, और ये आसपास है, तो आपको क्या सुनाई देगा, अगर दोनों एक साथ चालू हो गए तो आपको एक बीट सुनाई देगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगा साउंड का, घटेगा इंटेंसिटी, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से समझ में आ रहा है। जैसे वो इसका आवाज है एम्बुलेंस जैसे आवाज निकालता है, वो आवाज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, समझ रहे हो, उस तरह से इंटेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से होगा। तो अगर हम लोगों ने मान लो कि एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, इसको वाइब्रेट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, जो वायर है वायर को प्लग किया, तो वायर भी वाइब्रेट कर रहा, अभी दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, और वो अलग है, मतलब हमें पता नहीं है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है नहीं, और हमने क्या किया, और ये इसके साथ रेजोनेंस में है भी नहीं, यानी ये स्टैंडिंग वेव सेट भी नहीं हुआ, स्टैंडिंग वेव सेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये इसका एनर्थ हार्मोनिक नहीं है। अब आप क्या करो, इसको प्लग करो, इसको जब आप प्लग करोगे तो अगर ये आसपास की फ्रीक्वेंसी है तो आपको बीट्स सुनाई देंगे, क्या सुनाई देंगे, बीट्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको 10 बीट सुनाई दे रहे हैं मान लो, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ज है तो इसका या तो 246 होगा या तो 266 होगा, यानी 10 का अंतर होगा, कैसे भी ले लो कितने का अंतर होगा 10, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F2 माइनस F1 का मॉड या F1 माइनस F2 का मॉड, ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है। तो अगर आपको 10 बीट सुनाई दे रहे हैं इसका मतलब ये, तो अब आप क्या करो, अब आप इसका लेंथ चेंज करो इस तरह से कि वो बीट फ्रीक्वेंसी 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 करते करते वो जीरो हो जाए। अब जब बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के फ्रीक्वेंसी क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरह भी हम लोग जो है बीट फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम लोग दोनों को एक ही फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले लेट अस डिस्कस की लॉ ऑफ लेंथ, ये हम लोग कैसे इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वायर चाहिए, ऑक्सिलरी वायर की कोई जरूरत नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल वायर। तो एक्सपेरिमेंटल वायर जो आप देख रहे हो इसमें जो ये लोड कनेक्ट किया है, तो वो लोड हम लोग फिक्स कर देंगे, मान लो हमने फिक्स कर दिया 3 kg या कुछ 4 kg, ये लोड फिक्स कर दिया। तो अभी लोड फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, राइट, इसको वाइब्रेट करेंगे, राइट, इसको इस रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे जोर से, ये वाइब्रेट करेगा, राइट, और फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग जो ये एक्सपेरिमेंटल वायर में जो ये दो ब्रिजेस हैं, ये दो ब्रिजेस के बीच का गैप हम लोग एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि ये जो पार्ट है वायर का D1 D2 के बीच में, उसमें क्या सेटअप हो जाए, फंडामेंटल मोड सेटअप हो जाए, यानी वो जो पेपर राइडर है वो एकदम वायलेंटली शेक हो और फिर वो उछल के गिर जाए, है ना। तो वो हम लोग वैसा करेंगे, तो यहाँ पे इसको वाइब्रेट करेंगे, राइट, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग D1 D2 ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, इस लेंथ को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि क्या हो, ताकि इसमें वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यानी एग्जैक्टली इसी फ्रीक्वेंसी का इसमें क्या सेट हो जाए, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड पर वाइब्रेट करे, यानी जो इसका फ्रीक्वेंसी है वही इस पार्ट ऑफ वायर का क्या होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ताकि दोनों साथ में रेजोनेंस में वाइब्रेट करें, ठीक है। तो अभी आप देख लो यहाँ पे कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो म्यू आ गया,
ये क्या होता है 1 बाय 2L अंडर रूट टी बाई मी, करेक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग टी जो है मतलब थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में जो हम उसको रिपीट करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेके, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेके हम उसको रिपीट करेंगे। पहले अभी हमने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, फिर हम दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, तो हम लोग ये टेंशन को चेंज नहीं करेंगे और म्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो यहां से क्या आना चाहिए, ये जो म्यू एल है ये आना चाहिए कॉन्स्टेंट। अगर म्यू एल कॉन्स्टेंट आ गया तो आपका ये लॉ ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि म्यू इंटू एल ये आना चाहिए कॉन्स्टेंट, क्योंकि टी को कॉन्स्टेंट रखा है, म्यू को कॉन्स्टेंट रखा है, तो ये क्या आना चाहिए, ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए। यानी म्यू वन एल वन शुड बी इक्वल टू म्यू टू एल टू शुड बी इक्वल टू म्यू थ्री एल थ्री, अगर ये हो गया तो आपका लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई हो गया। तो अगला एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, आप दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी होगा म्यू, अगर ये वन है तो ये टू लेंगे, फिर से इस लेंथ को एडजस्ट करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से इसके लिए एल वन आएगा, इसके लिए क्या आएगा एल टू आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा सेम, क्योंकि आपने टी कॉन्स्टेंट रखा है और म्यू को कॉन्स्टेंट रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। तो लिख लो आप ये फटाफट, ठीक है, एक बार फिर आप सुन लो। तो यहाँ पे मतलब आप लिखते जाओ, यू राइट कीप ऑन रीडिंग। तो यहाँ पे जो है जो ऑक्सिलरी वायर और एक्सपेरिमेंटल वायर, तो एक्सपेरिमेंटल वायर का हम लोग एक फिक्स लेंथ लेंगे, अभी हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ टेंशन का एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वायर जो उसका एक फिक्स लेंथ हम लोग ले लेंगे, तो ये डी वन डी टू जो मूवेबल ब्रिजेस है उसके बीच का लेंथ हम लोग फिक्स रखेंगे, ठीक है, मान लो कि वो क्या है एल है, ठीक है। और ऑक्सिलरी वायर को हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको प्लग करेंगे, तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो जब ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो ये साउंड बॉक्स भी वाइब्रेट करेगा, और साउंड बॉक्स के साथ साथ ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है ये भी क्या करेगा वाइब्रेट करेगा, तो एक्सपेरिमेंटल वायर जो है वो भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है, इसको प्लग करेंगे, ये पहले वाइब्रेट करेगा इसके साथ साथ ये वाइब्रेट करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों रेजोनेंस में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को रेजोनेंस में अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर रेजोनेंस में तो हम लोग इसका जो लेंथ है ऑक्सिलरी वायर का, यानी ये जो डिस्टेंस है सी वन सी टू जो ब्रिज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करेंगे, राइट, उसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि दोनों ये वाला वायर ऑक्सिलरी वायर एक्सपेरिमेंटल वायर दोनों क्या हो जाए, दोनों रेजोनेंस में सेट हो जाए। तो ये दोनों जिस फ्रीक्वेंसी पे अभी रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ रेजोनेट कर रहे हैं, एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों में स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ है, तो दोनों में एक ही कॉमन फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, या दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया सेम हो गया, हमने उस तरह उसको एडजस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट अब शुरू होता है, तो ये पहला स्टेप हो गया, अब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, उसमें क्या है कि आप यहाँ पे जो टेंशन था पहले टी वन उसको आप चेंज करो, कैसे चेंज करोगे आप, तो ये जो लोड है ये लोड में आप कुछ एक्स्ट्रा लोड कनेक्ट करो तो वो टेंशन चेंज हो जाएगा। अब ये टेंशन अगर चेंज हो गया तो ये जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाएगा, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वापस दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग हो गया उसका अलग हो गया, तो वापस रेजोनेंस लाने के लिए आप क्या करोगे, आप ये जो ऑक्सिलरी वायर इसका लेंथ एडजस्ट करोगे, और इसके लेंथ को आप यानी सी वन सी टू के बीच के डिस्टेंस जो है उसको आप क्या करोगे चेंज करोगे, और फिर से दोनों रेजोनेंस में आएंगे। अब जब दोनों फिर से रेजोनेंस में आ जाएंगे, दोनों में फिर से एक कॉमन फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों में एक ही कॉमन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ही है, वो न्यू नॉट टू हो गया, ऐसे आप करते जाओगे, राइट, मतलब थर्ड टाइम ऐसे करोगे आप, टेंशन चेंज करोगे, फिर ये जो स्ट्रिंग फिक्स है यानी एक्सपेरिमेंटल वायर जो है उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो फिर से क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो हम लोग फिर से यहाँ लेंथ को एडजस्ट करेंगे, यानी एक में हम टेंशन चेंज कर रहे हैं और ऑक्सिलरी वायर में हम क्या चेंज कर रहे हैं लेंथ चेंज कर रहे हैं, और इस तरह कर रहे हैं कि ताकि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे, यानी दोनों का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो क्या हो एक ही हो और दोनों रेजोनेट करें एक दूसरे के साथ उसी फ्रीक्वेंसी पे, तो ये न्यू नॉट थ्री हो गया। तो अभी आप देखो जो ऑक्सिलरी वायर है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, टेंशन को कांस्टेंट रखा है और म्यू को कांस्टेंट है ना, ये वाला वायर टेंशन कांस्टेंट है म्यू कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा फिर लॉ ऑफ लेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा जो वायर है एक्सपेरिमेंटल वायर, इस एक्सपेरिमेंटल वायर में हमने क्या कांस्टेंट किया है, लेंथ कांस्टेंट रखा है, डी वन डी टू के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या रखा है फिक्स, तो वो लेंथ कांस्टेंट रखा है और म्यू कांस्टेंट रखा है, अगर लेंथ और म्यू कांस्टेंट है तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा रूट टी, अब दोनों में एक ही फ्रीक्वेंसी है क्योंकि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं,
भले ही पहली बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट वन है लेकिन दोनों में न्यू नॉट वन, दूसरे बार न्यू नॉट टू लेकिन दोनों में, यानी हर एक्सपेरिमेंट में न्यू क्या है कॉमन है, ये फ्रीक्वेंसी कॉमन है, समझ में आपको? तो इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, यानी रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल, तो प्रोपोर्शनल हटा के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और वो जो लेंथ है बेसिकली इसका ऑक्सिलरी वायर का उसको हमने एल डैश लिखा है, ठीक है? तो यहां से आपको मिल जाएगा सी बाई एल डैश, और वो हो जाएगा एल डैश रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हर बार ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए, इसका जो लेंथ है और इसका जो टेंशन, टेंशन का जो अंडर रूट आप लोगे स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इनटू एल डैश, ये जो लेंथ है ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो जाके आपका लॉ ऑफ टेंशन क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल वायर जो है उसमें दूसरे में आएगा क्या है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ जाएगा।